अस्सलाम वालेकुम। मैं नबला मखानी, सिंगर कंपोजर राइटर। 14 जून 2021 को मैंने जुल्फी साहब को 7 कंपोजिशन अपनी शेयर की और इनकी एक मेंबर है, थिंक टैंक की मेंबर है नताशा नूरानी, उनको भी मैंने 7 कंपोजिशन इनको सेंड की और जुल्फी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, सर आप मुझे चांस दें, मेरे पास ओरिजिनल म्यूजिक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मुझे चांस दें तो मैं अपना ओरिजिनल म्यूजिक आपसे आपके साथ करूं। तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर कोक्स स्टूडियो सीजन 14 का जो पहला गाना रिलीज हुआ, तो वो जैसे ही मैंने सुना मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सेम ट्यून थी जो मैंने इनको सेंड की थी। तो फिर मैंने जुल्फी साहब को फ़ोन किया, मैसेजेस किए, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आता है, वो बोल रहे हैं कि मैंने ट्यून डाउनलोड भी नहीं की थी और कहा जाता है कि ये हमारी पहले से ट्यून बनी हुई थी। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है इनसे, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये मुझे क्रेडिट दे दें। बाकी जो मेरे भी फ़ोन लिए जाएंगे, उनके भी फ़ोन लिए जाएंगे, ये फ़ोन फॉरेंसिक होंगे, उसके बाद कौन झूठा है कौन सच्चा ये सब पता चल जाएगा और ये अब फैसला करेंगे कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं नबला मखानी, सिंगर कंपोजर राइटर। 14 जून 2021 को मैंने जुल्फी साहब को 7 कंपोजिशन अपनी शेयर की और इनकी एक मेंबर है, थिंक टैंक की मेंबर है नताशा नूरानी, उनको भी मैंने 7 कंपोजिशन इनको सेंड की और जुल्फी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, सर आप मुझे चांस दें, मेरे पास ओरिजिनल म्यूजिक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अब मुझे चांस दे तो मैं अपना ओरिजिनल म्यूजिक आपसे आपके साथ करूं। तो इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर कोक्स स्टूडियो सीजन 14 का जो पहला गाना रिलीज हुआ, तो वो जैसे ही मैंने सुना मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सेम ट्यून थी जो मैंने इनको सेंड की थी। तो फिर मैंने जुल्फी साहब को फ़ोन किया, मैसेजेस किए, तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एक दिन बाद उनका रिस्पॉन्स आता है, वो बोल रहे हैं कि मैंने ट्यून डाउनलोड भी नहीं की थी और कहा जाता है कि ये हमारी पहले से ट्यून बनी हुई थी। तो मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मुझे कोई लालच नहीं है इनसे, मैं बस ये चाहती हूँ कि ये मुझे क्रेडिट दे दें। बाकी जो मेरे भी फ़ोन लिए जाएंगे, उनके भी फ़ोन लिए जाएंगे, ये फ़ोन फॉरेंसिक होंगे, उसके बाद कौन झूठा है कौन सच्चा ये सब पता चल जाएगा और ये अब फैसला करेंगे कोर्ट।